वेलकम दोस्तों, हमें फ्रेंड ने पूछा था HVAC है उसका सक्शन प्रेशर जो रहता है लो रहता है और उसमें गैस चार्ज करते तो गैस चार्ज नहीं होता है। उसके बाद उसमें जो साइड ग्लास रहता है उस साइड ग्लास में देखते हैं तो गैस इसमें फुल शो करता है। क्या प्रॉब्लम हो सकता रहेगा अगर हमारा सक्शन प्रेशर लो रहता है उसमें गैस चार्ज करते हैं गैस चार्ज नहीं हो सकता है? तो वीडियो में इसी प्रॉब्लम का सॉल्व करने वाले हैं, सोल्यूशन बताने वाले हैं। अगर हमारा सक्शन प्रेशर लो रहता है तो कैसे इसे ठीक कर सकते रहेंगे, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं सक्शन प्रेशर लो होने के, अगर आपको सबके बारे में मालूम है तो वीडियो की स्किप कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो पूरा वीडियो देखें, आपको जरूर इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ASR सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं अरजीत फ्रॉम उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। एयर कंडीशनर जैसा कि हम जानते हैं इसमें कुछ मेन इंपॉर्टेंस पार्ट रहता है, कंडेंसर, कंप्रेसर, इवेपोरेटर, एक्सपेंशन डिवाइस रहता है जो भी प्रेशर को रेफ्रिजरेंट को कंट्रोल करने के लिए, ये सब मेन चीजें प्रॉपर सही वर्क करना चाहिए। अगर इसमें से कोई सा भी पार्ट अगर सही वर्क नहीं करेगा तो हमारा एयर कंडीशनर में ट्रबल शूट होगा, प्रॉपर कूलिंग नहीं करेगा। तो अगर हमारा सक्शन प्रेशर लो रहता है इसका मतलब हमारा सिस्टम में जो रेफ्रिजरेंट मैकेनिकल सिस्टम है, जो मैकेनिकल सिस्टम है, रेफ्रिजरेंट साइकिल है, उसमें कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ रुकावट है, रेफ्रिजरेंट के रास्ते में रुकावट है जिसकी वजह से सक्शन प्रेशर हमारा लो हो रहा है और डिस्चार्ज जो नॉर्मल फुल रहता है, हाई रहता है, गैस चार्ज नहीं होता है। तो जो भी बड़े AC रहते हैं उसके अंदर हमारा एक्सपेंशन वाल लगा रहता है, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल लगा रहता है, ओवरफिश लगा रहता है और भी बहुत से अलग अलग कंपनी के अलग कुछ मॉडल कंट्रोल डिवाइस लगे रहते हैं, बट अब स्पेशली जो हमें थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल के बारे में बात करने वाले जानने वाले हैं। अगर हमारा सक्शन प्रेशर लो रहता है तो इसमें हमारा पहले मेन हो जाता है या तो फिल्टर ड्रायर है चोकअप हो सकता रहेगा, ब्लॉक हो सकता रहेगा। अगर फिल्टर ड्रायर सही है तो उसके बाद आता है हमारा एक्सपेंशन वाल। एक्सपेंशन वाल अगर हमारा ब्लॉक रहेगा, उसके अंदर जो वाल है क्लोज रहेगा, डस्ट वगैरह आ गया, कचरा वगैरह आ गया है, तो कंडीशन में क्या होगा, गैस उसके पास आगे नहीं होता। जब गैस आगे उसके पास नहीं होगा तो कंडीशन में क्या होगा, हमारा सक्शन प्रेशर जो है नहीं बढ़ेगा क्योंकि गैस आगे नहीं जा रहा है, थोड़ा जा रहा है, तो कंडीशन में क्या हो रहा है, सक्शन प्रेशर हमारा लो रहेगा और डिस्चार्ज प्रेशर हाई रहेगा, उसमें गैस जो है फुल रहेगा, गैस भी चार्ज करेंगे, गैस चार्ज नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी जितना सिस्टम में चाहिए होगा रिक्वायरमेंट फुल हो चुका रहता है, भर चुका रहता है। तो इस तरह से अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो हमारा जो एक्सपेंशन वाल है इसे चेंज करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता रहेगा। बट कई बार केसेस ऐसा होता है हमारे पास, जब साइट पे जाते हैं हमारे पास एक्सपेंशन वाल नहीं रहता है, उसे में चेक करना रहता है एक्सपेंशन वाल सही है या खराब है, या फिर कई सिचुएशन ऐसा आता है हमें एक्सपेंशन वाल नहीं मिलता है, उसे रिपेयर करके चलाना पड़ता है। और कंडीशन में हम क्या कर सकते रहेंगे, इसके अंदर जो रहता है हमारा सुपर हीट आ जाता है, जो रेफ्रिजरेंट का फ्लो रहता है यानी कि जो सक्शन प्रेशर लो है उसका प्रेशर हम बढ़ा सकते रहेंगे, इंक्रीज कर सकते रहेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल जो लगा हुआ है उसमें हो सकता है, ये एक्सपेंशन वाल भी दो टाइप के आते हैं, एक हमारा फिक्स रहता है जो प्रेशर वगैरह को फिक्स रहता है, एक जो आता है हमारा नॉर्मल उसका प्रेशर जो है डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते रहेंगे। इसका सुपर हीट जो रहता है गैस का प्रेशर टेम्परेचर जो हम बढ़ा कर सकते हैं घटा सकते रहेंगे मैनुअली तरीके से। उसी में से अगर ये टाइप का थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल है इससे हम क्या कर सकते रहेंगे, इसका प्रेशर को बढ़ा सकते रहेंगे। कैसे क्या करना रहेगा, ये जो आप देख सकते रहेंगे सबसे नीचे टॉप में रहेगा, नीचे टाइप बॉटम रहेगा, ऊपर जो रहता है मफलर रहता है जिसमें हमारा सेंसिंग बल्ब लगा रहता है जो सक्शन पाइप में लगा रहता है, वो हमें नहीं खोलना है, उसके नीचे साइड में लगे नीचे साइड में देखे रहेंगे कुछ कैप है, देख सकते हैं नीचे साइड में जो रहता है कैप रहता है, इससे हमें खोलना है। इसे जब खोलेंगे तो आपको एक वाल्की दिखेगा, हम यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर वाल्की दिखेगा, तो वाल्की जी रहेगा इसमें जो खोलने के लिए वाल्की टाइप रहेगा, इसको हम कुछ स्पायर की मदद से, इस रेंज की मदद से इसे लगा कर क्या करना है, हमें इसे क्लॉकवाइज घुमाना है। कभी भी ध्यान रखिएगा सुई कैसे घूमता है, क्लॉकवाइज रहता है, उस तरह से हमें घुमाना है, इसको हमें टाइट करना है। टाइट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से जो प्रेशर जो बढ़ेगा, स्प्रिंग का प्रेशर जो है इसका दबेगा, बढ़ेगा इसका, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमें इसे क्या होगा, प्रेशर जो इसका बढ़ेगा, यानी कि जो सक्शन पाइप में जो गैस जाने वाला चीज आता है वो उसका जो है ज्यादा गैस का बहाव हो जाएगा, ज्यादा प्रेशर जाएगा उसके दबाव की वजह से। फिर उसके बाद क्या हो सकता है, प्रेशर आपका बढ़ सकता रहेगा, अगर नहीं बढ़ रहा है तो कंडीशन में ये खराब माना जाए, एक्सपेंशन वाल जो पूरा अच्छी तरह से पूरा चोक हो गया, डेड हो चुका है, इसे हमें नया ही डालना पड़ेगा। बट आपका अगर थोड़ा गैस जो है सक्शन प्रेशर में थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं है, ब्लॉक हुआ है, थोड़ा ब्लॉक हुआ है, तो कंडीशन में आपके सुपर जो रहता है इसका स्प्रिंग का जो रहता है इसे आप टाइट कर सकते रहेंगे, इंक्रीज कर सकते रहेंगे अगर आपका गैस लो हो रहा है तो। वही केस में अगर आपका गैस सक्शन प्रेशर गैस ज्यादा रहता है, हाई रहता है, ज्यादा होता है,
वो कंडीशन में आप क्या कर सकते रहेंगे, यहाँ से जो एक्सपेंशन वाला आता है इसे आप डिक्रेस करना यानी कि इसे उल्टा हमें घुमाना है, जिससे क्या होगा गैस का प्रेशर जो रहता है यहाँ टाइट हो जाएगा, वापस जो है कम फ्लो होगा, उसका फ्लो जो है कम होगा। तो इस तरह से आप जो है इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सक्शन और डिस्चार्ज में गेज लगाना है। गेज लगा करके प्रॉपर रखेंगे तो आपको मालूम चलेगा इसमें जो है जो टाइट कर रहे हैं तो कितना प्रेशर जा रहा है और लूज कर रहे हैं तो कितना प्रेशर आ रहा है, यानी कि इसके अंदर जो नट रहता है, बात करें तो इसके अंदर जो नट रहता है इसे में टाइट करना है, प्रेशर बढ़ेगा लूज करेंगे प्रेशर घटेगा, ये आप अपने हिसाब से देख सकते रहेंगे कितना सिचुएशन पे कितना ब्लॉकेज है वो हिसाब से इसमें टाइट करना रहता है। ज्यादा हमें नहीं करना रहता है, बस इसमें से कि एक मार्किंग कर लेंगे, मार्किंग करने के हिसाब से मतलब एक पूरा राउंड करेंगे तो फुल होता है, उसमें क्वार्टर करना यानी कि थोड़ा सा वन क्वार्टर में राउंड हल्का सा राउंड घुमाना है, ज्यादा फुल नहीं करना है, टाइट नहीं करना है, सेटिंग्स का ज्यादा हो जाएगा थोड़ा सा सिर्फ घुमाना है, या फिर हाफ राउंड कर सकते रहेंगे इसे, हाफ राउंड कर सकते रहेंगे अगर ज्यादा ब्लॉकेज है तो। इस तरह से इसका प्रेशर जो रहता है बढ़ा सकते रहेंगे और घटा सकते रहेंगे, इसको थर्मोस्टेट एक्सपेंशन वाला होता है नीचे साइड से, ये हमारे बहुत से कम केस में होता है लेकिन बहुत बार होता है, यहाँ से भी कंट्रोल हो जाता है, सेटअप हो सकता रहेगा। या फिर आप चाहते हैं अगर फिर भी नहीं हो रहा है तब डायरेक्टली से जो एक्सपेंशन वाला इसे डायरेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा, जो मफलर रहता है ऊपर से खोल करके, खोलने के बाद क्या करना होगा गैस को आपको पंप डाउन करना पड़ेगा कंडीशन में, या तो इसको डायरेक्ट अगर एक्सपेंशन करना है सिस्टम को पंप डाउन करके ऊपर का जो मफलर रहता है ऊपर खोल करके हेड रहता है केल को उसके अंदर क्वाइन डालना है उसे फिर टाइट करेंगे, प्रॉपर फुल टाइट करेंगे, ये हमारा जो एक्सप्रेशन रहता है टाइट हो जाता है यानी डायरेक्ट हो जाता है। ये हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे, प्रैक्टिकली चीज जानेंगे किस तरह से टाइट करते हैं। बेसिक हमने बताने की कोशिश की है अगर हमारा सक्शन प्रेशर लो होता है तो हम कुछ इस तरह से इसको बढ़ा सकते रहेंगे, प्रेशर को जो है इसका गैस का प्रेशर टेम्परेचर बढ़ा सकते रहेंगे इसे वाल्व को क्लॉकवाइज घुमा करके टाइट करके इसे। तो आशा करता हूँ आपको जरूर इन्फॉर्मेशन मिला रहेगा, अगर इस तरह से आपके पास भी फॉल्ट आ सकता रहेगा, ट्रबल शूट हो सकता रहेगा कंप्रेसर एक्सपेंशन वाल्व के बारे में, इसको आप जो क्लॉकवाइज है घुमा करके इसे थर्मोस्टेट एक्सपेंशन वाल्व है इसे घुमा करके वाल्व खोल करके टाइट करके रिपेयर कर सकते रहेंगे, अपना काम चला सकते रहेंगे। तो आशा करता हूँ आपको जरूर इन्फॉर्मेशन मिला रहेगा, इसी तरह से और प्रैक्टिकल वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहे, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें जो बेल आता है ऑल नोटिफिकेशन आता है उसको ऑन जरूर करें, ये वीडियो का फीडबैक दीजिए क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा और आगे क्या चीज के बारे में जानना चाहते हैं। अगर आप ऑनलाइन कोई सा भी टूल्स स्पेयर पार्ट्स वगैरह या एक्सपेंशन वाला खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, विजिट करके बाई कर सकते रहेंगे और उसका फायदा ले सकते रहेंगे। आज आपका दिन शुभ हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।